हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील एक बार फिर से आप सब साथियों का स्वागत करता हूं अभिनव क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सब साथी एलडीसी परीक्षा देकर घर पे एक रिलैक्स मोड में होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत शानदार गया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके सामने एक छोटा सा 10 मिनट का सेशन लेके आया हूं, और वो सेशन में लेके आया हूं कि आप जो अभी परीक्षा देकर फ्री हुए हैं तो आपके दिमाग में एक जदोजहद चल रही होगी, क्या रहेगी कटाव, क्या हम टाइपिंग की तैयारी करना शुरू करें या नहीं करें, क्या अनुमान रह सकता है कटऑफ का। हालांकि दोस्तों एक अनुमान लगाया जाता है कटऑफ का, निश्चित कटऑफ वही रहनी है जो हाईकोर्ट जारी करेगा, लेकिन पूर्व परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, हाल ही में या इससे पहले की जो एलडीसी परीक्षा थी उसको मद्देनजर रखते हुए और पेपर के स्तर को, दोनों पारियों के पेपर के स्तर को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा सा अनुमान, एक अच्छा सा सर्वे मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, 150 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलडीसी परीक्षा, हाईकोर्ट एलडीसी, ध्यान दीजिए दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी की एक अनुमानित कट ऑफ, पेपर दो स्तर पे था, एक तो 12 मार्च का जो पेपर था दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए, और एक जो पेपर था दोस्तों 19 मार्च को उसको मद्देनजर रखते हुए मैं दो आंकड़े आपके सामने लेके आ रहा हूं। और दो आंकड़े दोस्तों इसलिए लेके आ रहा हूं, आपको अच्छे से पता है 12 तारीख का जो पेपर था वो 19 तारीख के पेपर की तुलना में थोड़ा टफ था, 19 तारीख का पेपर थोड़ा इजी था 12 की तुलना में, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस जरूर इन दोनों पेपरों के बीच रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो कैंडिडेट 12 तारीख के पेपर में 100 क्वेश्चन करने में सक्षम था वो निश्चित रूप से 19 तारीख के पेपर में 110-112 क्वेश्चन करने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा अनुमान है क्योंकि पेपर का स्तर अच्छा था। 19 तारीख वाले पेपर का जीके तो बिल्कुल इजी था, लगभग 40+ 44+ क्वेश्चन आप आराम से उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो। और अगर बात करूं मैं 12 तारीख के पेपर की तो 12 तारीख वाले पेपर का स्तर थोड़ा सा टफ था 19 तारीख वाले की तुलना में। मैं एक अनुमानित क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि किस कैटेगरी में आपके कितने क्वेश्चन हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं जनरल की, उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी की, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, और फिर बात कर लेते हैं अपन एमबीसी की, और फिर बात कर लेते हैं अपन एससी और एसटी की। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार इधर भी बात करें तो पहले जनरल, फिर बात करें ओबीसी, फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, फिर बात करते हैं अपन एमबीसी, और फिर बात करते हैं एससी की, और फिर बात करते हैं एसटी। ये एक अनुमानित क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा। अगर आपके 12 तारीख वाले पेपर में 100 से 105 के बीच क्वेश्चन हो रहे हैं, जनरल ओबीसी में दोनों को इक्विवेलेंट लेके चल रहा हूं दोस्तों, क्यों तो ध्यान से सुनिए, आजकल जनरल ओबीसी की कट ऑफ लगभग इक्विवेलेंट रहने लगी है, और जब से ईडब्ल्यूएस क्रिएट हुआ है, कैटेगरी क्रिएट हुई है ईडब्ल्यूएस, उसके बाद तो लगभग इक्विवेलेंट रहती है जनरल ईडब्ल्यूएस। हाल ही में वीडियो मेंस का रिजल्ट देख लो, बड़े सोच समझ के और सर्वे देख करके मैं आपके सामने आ रहा हूं, वीडियो मेंस में एक नंबर का कट ऑफ रहा, एक नंबर का अंतर रहा है, एक नंबर 130 पॉइंट कुछ जनरल की थी और 129 पॉइंट कुछ थी दोस्तों ओबीसी की। मैं बात करूं तो एक नंबर का फर्क था, केवल एक नंबर का फर्क था ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों के इक्विवेलेंट क्वेश्चन रहेंगे 100 से 105 के बीच में। पिछली बार हाईकोर्ट को देखूं उसमें भी ऐसा ही हुआ था, 100 से 105 नहीं दोस्तों, मतलब इक्विवेलेंट था जनरल ओबीसी का कट ऑफ। तो 12 तारीख वाले पेपर में 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके हैं और आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, बात करूं दोस्तों एमबीसी की तो आपके अगर 92 से 95 क्वेश्चन बन रहे हैं, बात करूं दोस्तों एससी और एसटी की तो एससी में आपके 90 से 95 क्वेश्चन, ये 90 से, माफी चाहूंगा दोस्तों, एससी में आपके 87 से 91
क्वेश्चन के लगभग। एसटी की अगर बात करूं तो मान के चल लीजिए आप 85 से 89 क्वेश्चन के बीच, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हो रहे हैं और 12 तारीख के फर्स्ट, 12 तारीख को एक ही शिफ्ट था, 12 तारीख मतलब फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था, मतलब 12 तारीख को जो शिफ्ट था उसमें आपका पेपर था, तो आप 5 गुणा की कट ऑफ के हिसाब से, ये 5 गुणा की कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ आएगी, पहले 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, फिर हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग होगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। ये 5 गुना है आपके सामने। अगर बात करें 19 तारीख की तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट अगर बात करूं तो 110 से 115 के बीच, और ओबीसी जनरल मैं बिल्कुल बराबर मान के चल रहा हूं क्योंकि ऐसा ही चल रहा है आजकल। बात करूंगा मैं ईडब्ल्यूएस की तो 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। एमबीसी की अगर अपन बात करें तो 103 से 107 के बीच में मान लीजिए। और दोस्तों एससी एसटी की अपन बात करें तो एससी का आप मान के चल लीजिए 98 से 103 तक, और एसटी का आप मान लीजिए दोस्तों 95 से 94 से 98 के बीच में। अगर आपका इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन हो रहा है, अगर आप इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो लेके चल रहे हैं दोस्तों, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप 5 गुना की कट ऑफ में हैं। ये कट ऑफ मैं पहले ही बता दूं आपको, 5 गुना कट ऑफ है दोस्तों। कितना गुना? 5 गुना, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, ये 5 गुना बता रहा हूं मैं। अगर आपके इतने क्वेश्चन 12 तारीख वाले शिफ्ट में हो रहे हैं और इतने क्वेश्चन आपके 19 तारीख वाले शिफ्ट में हो रहे हैं, तो आप अपने आप को टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार करिए और टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है दोस्तों टाइपिंग, याद रहे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है टाइपिंग आपका एलडीसी हाईकोर्ट में। अब बात करते हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जो बात कर रहे हो, कट ऑफ एक रहेगी, अलग अलग तो रहेगी नहीं, तो इसका अनुमान कैसे निकलेगा? दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, मैं कह रहा हूं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आप मान के चलिए कि 12 तारीख वाले जो शिफ्ट के बच्चे हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन या मतलब मार्क्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 12 तारीख का पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था पेपर का 19 तारीख की तुलना में। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद 12 तारीख वाले शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके नंबर इंक्रीज होंगे और इक्विवेलेंट किया जाएगा 12 और 19 तारीख की शिफ्ट को। तो आप ये क्वेश्चन मान के चलिए, ये क्वेश्चन मान के चलिए अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में तैयारी, मतलब सेफ जोन का मतलब फाइनल सिलेक्शन में नहीं, 5 गुना के सेफ जोन में आप अपने आप को पा सकते हैं। और जिन कैंडिडेट का इनसे काफी ऊपर स्कोर है, जैसे मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन, तो फिर वो तो टाइपिंग के ऊपर बड़े जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि अगर आपका टाइपिंग टेस्ट पास होता है तो आप निश्चित रूप से एलडीसी हाईकोर्ट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये एक अनुमान है, ये कट ऑफ का एक अनुमान है, फाइनल कट ऑफ वही होगी जो एलडी जो हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित की जाएगी। फाइनल कट ऑफ हाईकोर्ट ही निर्धारित करेगा, क्योंकि आप जानते हो इस वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हाईकोर्ट ही करेगा, हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है इसको हाईकोर्ट ही कंप्लीट करवाता है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सेफ जोन में ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके इतने क्वेश्चन हैं तो आप अभी से बिना देरी किए हुए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जिन साथियों का इस जोन में है वो बिल्कुल पॉजिटिव होकर तैयारी करें, और जिनका इधर उधर है थोड़ा बहुत, बिल्कुल नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये सब अनुमान है। आप अपने इरादों को मजबूती के साथ टिकाए रखिए और फाइनल कट ऑफ वही होगी जो राजस्थान हाईकोर्ट तय करेगा। बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बने रहना है। आपका ये अनुमान है, इससे नीचे और ऊपर भी रह सकती है, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे इससे होगा नहीं दोस्तों। ये एक अच्छा सर्वे आपके सामने में, एक अच्छा अनुमान लेकर के आया हूं, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन का अंतर तो जरूर रहेगा पेपर दोनों जाता, जो दोनों पेपर थे उनके स्तर को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अनुमान आपके सामने लेके आया हूं ये सटीक अनुमान साबित होगा, और ईश्वर करे कि आप जो तैयारी कर रहे थे कैंडिडेट वो निश्चित रूप से हाईकोर्ट एलडीसी में सफलता प्राप्त करें और नौकरी के अपने सुनहरे सौपन को पूरा करें। और एक स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और निश्चित ही आप इस स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद दोस्तों।